चमोली में केदारनाथ वन विभाग ने फायर सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। विभाग की ओर से 15 फरवरी से शुरू होने वाले फायर सीजन को लेकर जहां विभागीय स्तर पर क्रू स्टेशनों में व्यवस्थाएं की गई हैं, वहीं अधिकारियों व कार्मिकों की तैनाती की गई है। विभाग की ओर से वनाग्नि की रोकथाम के लिए जन सामान्य से भी सहयोग लिया जा रहा है। वहीं केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के एसडीओ जुगल किशोर ने बताया कि जिले में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभाग की ओर से 23 क्रू स्टेशन बनाए गए हैं। इसके साथ ही प्रभाग की 4 रेंज में 5 अधिकारियों के साथ ही 180 फील्ड कर्मचारियों की तैनाती की गई है। चमोली से संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। केदारनाथ वन प्रभाग 2 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट और चमोली डिस्ट्रिक्ट में। हमारे जो कुल क्रू स्टेशन हैं वो 31 क्रू स्टेशन हैं, जिसमें 23 क्रू स्टेशन हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में और 8 क्रू स्टेशन हमारे रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। फायर सीजन के संबंध में हमारे जो 1 फरवरी से स्टार्ट हमारा प्रोग्राम शुरू हो गए हैं जन जागरूकता का है, और लगातार हम इसमें मीटिंग्स गाँव में लगातार करते हैं।